वेलकम फ्रेंड्स, से प्राइम टेलीकॉम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ MI का 4A मॉडल, और जिसमें जो है टच नहीं चल रही है। जैसा आप देख रहे हैं, ये MI का 4A मॉडल है और इसमें टच नहीं चल रही है। ये देखिए, मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ चलाने की, लेकिन ये नहीं चल रही है। तो इसको हमें कैसे ठीक करना है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इसमें वाटर डैमेज के कारण ये टच नहीं चल रही थी। और यहाँ पर देखिए, इसका जो कनेक्टर है ये भी मैं आपको चेक करवाऊंगा, बताऊंगा कैसे हम इसे ठीक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी बैटरी है उसको हटा लेते हैं हम। और ये हटाने के बाद में ये देखिए, यहाँ पर जो ये टच का कनेक्टर है इसे मैं आपको चेक करवा रहा हूँ अभी। इसकी जो रीडिंग्स हैं वो हम चेक करेंगे। तो देखिए, ये हमारा मल्टीमीटर है और जिसको हमने कंटिन्यूटी मोड में लगाया है। और अभी मैंने इसे देखिए, जैसा आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी मोड में है। तो चलिए, अभी मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ कि कितनी रीडिंग इसके ऊपर आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग है 266। दूसरी पिन है उस पर देखते हैं, तीसरी पे देखते हैं, फोर्थ पिन पे, और ये फिफ्थ पिन, और ये जो लास्ट वाली है ये ग्राउंड है। तो देखिए, सभी पॉइंटों पे सप्लाई है लेकिन टच हमारी फिर भी नहीं चल रही है। इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर इसका पानी लगा हुआ था, पानी तो हमने साफ़ कर दिया अच्छे से, रीडिंग भी यहाँ पर आने लगी लेकिन इसमें टच नहीं चली। तो इसको हमें कैसे ठीक करना है अभी मैं आपको वो बता देता हूँ। साथ ही आपको ये भी दिखा देता हूँ कि हमारी जो टच है ये, इसका ये जो देखिए, यहाँ पर कई बार जो है प्रिंट मिस हो जाते हैं पानी लगने के, लेकिन ये भी हमारे सही हैं, साफ़ हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी टच नहीं चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, ये जो हमारा कनेक्टर है इसको हम चेंज करके देखेंगे और देखते हैं फिर हमारी टच है वो वर्क करेगी या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले है इसे हम निकाल लेंगे टच कनेक्टर को, इसके जगह पे हम फिर नया कनेक्टर लगाएंगे। पहले यहाँ पर थोड़ी सी पेस्ट लगा देंगे और पेस्ट लगाने के बाद में आयरन से ही हम इसको अलग कर देंगे। देखिए, पेस्ट हमने लगा दी है, अब आयरन का यूज़ करते हैं और इसको अलग करते हैं। और यहाँ पर देखिए, मेरे पास में कुछ नए कनेक्टर्स हैं, एक कनेक्टर इसमें हम लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसका जो कनेक्टर है वो निकाल दिया है। अभी यहाँ पर हम जो है दूसरा कनेक्टर लगाएंगे। इससे पहले एक बार इसकी जो भी रीडिंग है दोबारा चेक कर लेते हैं हम। मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी मोड में लगा रखा है, इसलिए अब इसकी रीडिंग चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आप रीडिंग देख सकते हैं 3.08, 442, 444, 413, 409, और ये ग्राउंड है। तो रीडिंग यहाँ पर ओके आ रही है हमारी। चलिए, अब यहाँ पर हम जो है नया कनेक्टर लेके वो लगाते हैं।
सो फ्रेंड्स देखिए जो हमारा कनेक्टर था वो हमने लगा दिया है, अच्छे से लगा दिया है, और अभी जो है इसमें हम टच लगा के इसे चेक करेंगे। चलिए यहाँ पर जो हमारा ये टच वाला जो कनेक्टर है इसमें हम टच को कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने लगा दिया है, बैटरी कनेक्ट करते हैं और चलिए अब इसे ऑन करते हैं। तो फोन हमारा ऑन हो गया है, चलिए इसे थोड़ा सा ऑन होने देते हैं और उसके बाद में इसे हम चेक करेंगे कि हमारी जो टच है वो ठीक हुई है या नहीं हुई है। इसमें टच नहीं चल रही थी जिसके लिए हमने इसका जो टच कनेक्टर वो चेंज किया है, क्योंकि उसके ऊपर रीडिंग्स भी आ रही थी, सप्लाई भी आ रही थी, वोल्टेज भी वो दिखा रहा था, लेकिन टच नहीं चल रही थी। तो चलिए इसे ऑन होने देते हैं और ऑन होते ही फिर हम इसे इसकी टच चलाकर चेक करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। ये MI Redmi 4A मोबाइल है और इसकी टच वर्क नहीं करने की जो प्रॉब्लम है उसको हम ठीक कर रहे हैं। देखिए हमारा फ़ोन ऑन हो गया है, चलिए अब इसकी टच चला के देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारी टच है वो वर्क कर रही है, ये देखिए हमारी जो टच है अब वर्क करने लग गई है। हमने इसका जो कनेक्टर है टच वाला वो चेंज किया है और जैसा आप इसमें देख सकते हैं साफ साफ हमारी जो टच है वो काम करने लग गई है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, साथ ही अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।